सारण जिले के मशरक प्रखंड के कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। अधिकारियों ने किया दौरा। गोपालगंज जिले में गंडक नदी में टूटे बांध से बाढ़ का पानी 4 वार्ड में प्रवेश कर गया है। मौके पर पहुंचे जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन, पुलिस अधीक्षक हरिकिशोर राय, अपर समाहर्ता डॉक्टर गगन कुमार, CO ललित कुमार सिंह, BDO राजीव कुमार सिन्हा, थानाध्यक्ष रत्नेश कुमार वर्मा, पूरे प्रशासनिक अमले के साथ लखनपुर में पहुंचे, सुविधाओं का जायजा लिया। लगातार बाढ़ ने विकराल रूप धारण करना शुरू कर दिया है। पूरे प्रखंड में अभी तक हजारों से ज़्यादा लोगों को बाढ़ ने प्रभावित किया। कुमार सेन ने मौके पर ग्रामीणों से बाढ़ उत्पन्न समस्याओं को जाना। बाढ़ के पानी से राजापट्टी लखनपुर मार्ग डूब गया है। वहीं लोग अपने घरों में राजापट्टी गोलम्बर चौराहे के किनारे डेरा डाले हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि प्रखंड प्रशासन के तरफ से बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई राहत उपलब्ध नहीं है। वहीं उप समाहर्ता गगन कुमार ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक किचन चालू कर दिया गया है, जहां बाढ़ प्रभावित लोगों को खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं NDRF की टीम गांव में बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद कर रही है। इलाके के ऊंचे स्थानों पर जनरेटर सेट से लाइट की रोशनी की व्यवस्था कर दी गई है, साथ ही तिरपाल का वितरण भी किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में मेडिकल की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मवेशियों की चारा व्यवस्था नहीं होने से परेशानी और बढ़ गई है। बदलता बिहार न्यूज देख रहे हैं आप, हरिकिशोर सिंह के साथ धीरेज सिंह की रिपोर्ट। टीम के द्वारा अभी कितने लोग गांव में? गांव में 100-150 से लोग ऊपर फटा हुआ है। पूरा पानी पानी है उधर। कितना पानी है लगभग? पानी तो सबके घर में घुसा हुआ है, सबके घर में, कोई ऐसा घर बाकी नहीं है जहाँ पानी है। तो ये फर्स्ट बार आप लोग इससे आए हैं कि और लोग भी आ चुके हैं? और लोग भी आए हैं और लोग भी आने वाले हैं। और लोग भी बाकी है, अब कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग और लोग आने वाले हैं। किस गाँव से आप लोग आ रहे हैं? चमराहा से आए हैं। मैं सवेरे 7 बजे से यहाँ पर हूँ, तो उसके अनुरूप सभी लोगों को प्रशिक्षण दिया गया ताकि ऊँचे स्थान पर वो अपना आवास बनाकर रह सके। सभी लोगों को दिन का भोजन दिया गया है, जिसमें चावल, दाल, सोयाबीन, बड़ी की सब्जी, आलू का चोखा दिया गया है। सब लोग खाना खा चुके हैं। जो महिलाएं हैं, अगर घर खाना ले जाना चाह रही हैं, तो उनको भी उसके लिए खाना दे दिया गया है। दिन का खाना सब लोग खा चुके हैं, क्योंकि उस स्थान पर पानी फिर आने की संभावना है, तो हम लोगों ने दूसरे स्थान का फिर चयन कर लिया है, जहाँ पर आज रात से खाना, ये लखनपुर चौक है ना, लखनपुर चौक है, जहाँ रात से रात्रि भोजन उनको दिया जाएगा। यहाँ जैसा कि लोग कह रहे हैं कि 2017 में भी पानी आ गया था, अगर पानी आएगा तो फिर हम अगले चौक के ऊपर स्नान करेंगे, वहाँ वैकल्पिक रूप से व्यवस्था कर रहे हैं। अभी तक तो सब कुछ ठीक है, लोगों ने भोजन प्राप्त कर लिया है, और फिर सिर्फ बढ़ रहा है और रात के खाने का इंतजाम किया जा रहा है। जो सरकार का मानदर है, उस मानदर के अनुरूप उनको भोजन कराया जा रहा है। NDRF की टीम आ गई है, उसके पास बोट्स है, जैसे भी हम लोग को सूचना प्राप्त होती है, हम लोग बोट से लोगों को इवैक्यूएट करा रहे हैं। मुखिया से, वार्ड मेंबर से हम लोग बात कर रहे हैं, थानाध्यक्ष यहाँ पर हैं, इन्होंने बताया है कि इन्होंने 4 चौकीदार की प्रतिनियुक्ति कर दी है, ताकि NDRF की टीम के साथ चौकीदार भी गांव तक जाएं और लोगों को निकालने में मदद करें। अगर आवश्यकता हो तो भोजन भी उनके घर तक पहुंचाया जा सके। अभी तो तत्पर है, सवेरे 7 बजे से मैं स्वयं हूँ, BDO है, CO है, PGRO है, थाना अध्यक्ष, सभी लोग इस काम में लगे हैं। कितने लोग निकाले जा चुके हैं अभी? ये लगातार काम चल रहा है, और अभी तक जो हम लोगों ने गिनती की है कि लगभग 350-400 लोग निकल करके आए हैं, तो उतने लोगों को ही हम लोगों ने भोजन भी करवाया है, और अभी ये सिलसिला चल रहा है। आज शाम तक ये क्लियर हो पाएगा कितने लोग और निकल करके आते हैं, तो जो भी निकल करके आएंगे उनको इसी लखनपुर चौक पर रात्रि भोजन और करने के लिए। और कुछ लोग इसमें गोपालगंज से भी आ गए हैं, क्योंकि आ गए हैं तो भोजन उनको भी दिया जाए।